धार जिले के नालछा थाने के अंतर्गत बगड़ी फाटे के समीप 18 जून को दोपहर में भारत फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट के साथ अज्ञात बदमाशों ने मोटरसाइकिल को धक्का मारकर कलेक्शन एजेंट का बैग लेकर फरार हो गए थे। बैग में 55,000 रुपए नकदी एवं एक टेबलेट सहित बैंक की सामग्री थी। दिन दहाड़े हुई इस लूट की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। घटना को गंभीरता से देखते हुए आरोपियों को पकड़ने के लिए एसडीओपी दामदोद मोनिका सिंह ने एक नया तरीका अपनाया, जिसमें स्वयं मोनिका सिंह मित्र बनी और नालछा थाना प्रभारी ईश्वर सिंह चौहान ने मुस्लिम रूप धारण कर आरोपियों को पीथमपुर चौपाटी पर एक ढाबे पर बुलाकर उन्हें गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि धार मांडव रोड पर हुई इस घटना से क्षेत्र के ग्रामीणों में डर का माहौल उत्पन्न हो गया था। आरोपियों की गिरफ्तारी भी पुलिस के लिए चुनौती बन गई थी, जिसे देखते हुए पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के निर्देशन में एसडीओपी मोनिका सिंह ने एक योजना बनाई, क्योंकि आरोपियों की एक मोटरसाइकिल के नंबर ट्रेस हो चुके थे, जिसके आधार पर सबसे पहले पुलिस मोटरसाइकिल मालिक तक पहुंची और उसी के माध्यम से पीथमपुर के 3 आरोपियों के नंबर मिले थे। इस प्रकार पुलिस ने कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटी गई राशि में से 28,300 रुपए नकद व घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल तथा फरियादी से छीना गया सैमसंग कंपनी का टैबलेट बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। एसडीओपी मोनिका सिंह ने फिल्मी स्टाइल में एक योजना बनाई, जिसमें स्वयं महिला मित्र बनकर आरोपियों से संपर्क किया और इन्हें अपने जाल में फंसाया। इधर नालछा थाना प्रभारी ईश्वर सिंह चौहान को मुस्लिम युवक की वेशभूषा में तैयार कर एबी रोड पर स्थित बताए स्थान पर पहुंचे। आरोपियों ने मोनिका सिंह से वीडियो कॉल पर भी चर्चा कर साधारण महिला होने की पुष्टि भी की। आरोपियों के बताए स्थान पर एक ढाबे पर पहुंचने के बाद थाना प्रभारी गन्ने के रस का कचरा साफ करते रहे, जबकि अन्य पुलिस स्टाफ में से कुछ ढाबे पर गिलास धोते रहे तो कुछ बस का इंतजार करने का नाटक करते रहे। इसी बीच तीनों आरोपी योगेश पिता प्रकाश उम्र 22 वर्ष निवासी बोपावर थाना सरदारपुर, जीवन पिता जगदीश उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम मेहंदीखेड़ा थाना मांडव, संजय पिता भैरूजी उम्र 21 वर्ष निवासी मांडव मोटरसाइकिल से वहां पहुंचे, जिन्होंने इशारा मिलते ही धर दबोचा। पुलिस ने 2 अन्य संजय पिता दीतिया निवासी नीलकंठ मांडव व रवि पिता सुखराम निवासी नीलकंठ मांडव को भी गिरफ्तार कर आगे पूछताछ कर रही है। भारतीय न्यूज के लिए जफर अली की रिपोर्ट। क्या हुआ था, नालछा में 18 तारीख को एक बगड़ी फाटा पड़ता है, उससे थोड़ा आगे दूर 3 लड़कों ने बाइक पर आके एक जो भारत फाइनेंस वाला जो कलेक्शन एजेंट था वो वहां से जा रहा था, उसको लात मारी, मोटरसाइकिल से गिराया और उससे पूरा उसका बैग छीन के भाग गए थे। उसके बैग में अराउंड 55,000 रुपीज, टैबलेट, उसके डॉक्यूमेंट्स, ये सारा सामान था और तीनों लड़के फरार हो गए। अच्छी बात ये रही कि जो फरियादी हमारा था, जो विक्टिम था, उसने उस गाड़ी नंबर को नोट कर लिया था। तो पहला जो हमें क्लू मिला वो गाड़ी नंबर ही था। उस गाड़ी नंबर से हम बहुत सारी चीज़ों में पहुंचे और जब गाड़ी नंबर से हमने ओनर को उठाया, उसके मालिक को उठाया, तो पता चला कि मालिक को घटना के बारे में पता तो है, क्योंकि उस वो षड्यंत्र का पार्ट था। इन्होंने जब घटना करने का बनाया था तो 5 लोग इसमें इन्वॉल्व थे। उसी के आधार पर हमने दूसरे एक और आरोपी को उठाया, तो 2 आरोपी हमारे पास वो आए जिन्होंने घटना नहीं की थी। जिन 3 लोगों ने घटना की थी वो तीनों बाइक लेके फरार चल रहे थे। ये दोनों आरोपी आने के बाद में इन्होंने हमने दूसरे जो आरोपी थे उनके भी मोबाइल नंबर और उनका नाम पता सब कुछ मिल गया था। तो जब नाम पता और सारी चीज़ें हमें मिल गई थी तो हम लोगों ने उस पर ट्रेसिंग डाली, सारी चीज़ें की, फ़ोन बन जा रहे थे। फिर शाम के वक्त हमें पता चला कि एक व्यक्ति का फ़ोन ऑन हुआ है, जिसकी लोकेशन हमें पीथमपुर मिली। क्योंकि पीथमपुर बहुत सारे मजदूर रहते हैं, बहुत बड़ा एक एरिया है, तो वहाँ ऐसे संभव नहीं था कि हम रेड कार्रवाई करके आरोपी को पकड़ पाए, क्योंकि बहुत सारे मजदूर वर्ग वहाँ पर रहता है और छोटे छोटी गली, छोटे छोटे मकान काफ़ी सारे बने हुए हैं। तो इसी में एसपी सर डायरेक्टली मॉनिटरिंग कर रहे थे इस केस को। जिस दिन से ये केस हुआ था उस दिन से सर ने एक टीम बना दी थी एसपी सर ने। तो फिर एक प्लानिंग बनाई गई, एक योजना बनाई गई, जिसमें मैंने एक महिला मित्र की भूमिका निभाई और टीआई ने मुस्लिम वेशभूषा अपनाई और उसके तहत हम लोग ने ट्राई किया उसको कॉल करने का। और चूंकि मेरा संपर्क, मतलब मुझे लग रहा था कि शायद चूंकि उसके पीछे पुलिस है तो कांटेक्ट ना भी करें, लेकिन वो मेरी बातों में कहीं उलझा। उलझने के बाद में उसने एक मिलने का स्थान तय किया, पीथमपुर चौपाटी हम लोगों को बुलाया। उसी के तहत हम लोग बस में बैठ के यहाँ से बस से पीथमपुर चौपाटी बस स्टैंड पहुँचे और वहाँ उतर के मैंने प्रयास किया कि आरोपी जल्दी आ जाए, लेकिन उसको थोड़ा समय लग रहा था। तो जो हमारा स्टाफ वहाँ पर लगा हुआ था, तो जब तक किसी को शंका ना हो तो हमारे टीआई साहब तो गन्ने के जो छिलके थे, कचरा, वही उठा के क्लीन करने लगे।
जो दो और ढाबे पे हमारा स्टाफ लगा था वो बर्तन धुलने का काम कर रहे थे, कुछ लोग कंपनी के लोग बन के वहाँ बस का वेट कर रहे थे। तो इस टाइप से पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग करके, और जब जैसे ही आरोपी आया तो 3 आरोपी हमने पकड़े। आरोपी से 28,300 रुपये जब्त हो गए। आरोपी ने एक बाइक खरीदी थी उस लूट के अमाउंट से, वो भी बाइक हमने जब्त कर लिए। जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी वो भी हमने जब्त कर लिए। टैबलेट जब्त हो गया है और अब हम उसका PR ले रहे हैं। PR के बाद में जो भी आगे की मे भी शायद और कुछ प्रकरण के खुलासे हों या जो भी रहता है उससे पूछताछ की जाएगी। अब पूछताछ हम करेंगे, PR हमने ले लिया है, तो PR के बाद जैसा भी जो भी खुलासा होता है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मैं SDOP धामनंद मोनिका। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।